तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चार्जिंग लोगो शो कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन प्लस लिखा हुआ गया है और आप लोग देखें, आप देख रहे हैं एआर मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास एक सेट आया है जिसका मॉडल नंबर है वन प्लस 7 प्रो। ये किसी दुकानदार का सेट है, दुकानदार मेरे पास लेके आया हुआ है। और इसका कहना ये है कि ये फ़ोन जो है लोगो प्रॉब्लम था, और ये फ़ोन ऑन होता था, कुछ ही देर के बाद लोगो आता था, फिर बंद हो जाता था। तो अभी हम लोग के पास आया हुआ है और ये फ़ोन जो है हम लोग खोल के रखे हुए हैं, और काफ़ी दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनसे माजरत खा हूँ क्योंकि टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, वक्त नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो शूट हो रहा है और हाई मॉडल में शूट हो रहा है। तो आपको मॉडल दिखा दें, यही मॉडल है और ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई काम किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैं टाइम बचाने के लिए इसको खोल के रखा हूँ। और तो सबसे पहले हम 6 पोर्ट चार्जर में एम्पियर देखेंगे, कितना एम्पियर इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो इस पर जैसा कि आप बैटरी लगा हुआ है और सारा चीज़ लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पर हम चार्जर को लगाते हैं। चार्जर को लगाने के बाद ये लगा हुआ है मेरा जो है 6 नंबर पिन में, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.6 एम्पियर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 6 नंबर पिन में लगा हुआ है और 0.6 एम्पियर लगा हुआ है। और मोबाइल को देखते हैं कि मोबाइल में कुछ रिस्पॉन्स है कि नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें चार्जिंग लोगो शो कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी देर से मैं चार्ज में लगा के रखा हूँ, ये 0.6 एम्पियर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये चार्जिंग लोगो ही शो कर रहा है रेड कलर में। तो इसको हम देखेंगे, स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे किस तरह से ये काम होता है। तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें किस तरीके से ये काम होगा। मेरे हिसाब से रैम का प्रॉब्लम है, सीपीयू का प्रॉब्लम है। तो हम जो है सब सिर्फ से रैम को रिबॉल करेंगे और देखते हैं कि फ़ोन कंप्लीट हो पाता है कि नहीं पाता है। वीडियो में बने रहें, देखते रहें, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मोबाइल फुल्ली एकदम फ्रेश मोबाइल है, इसमें कोई भी काम किया हुआ नहीं है किसी तरीके का। तो हम चलेंगे सीपीयू की तरफ और देखते हैं रैम का कंडीशन। तो फ्रेंड, सबसे पहले रैम का जो है नॉच पॉइंट देख लेना है, किधर से आपने निकालना है और किधर से लगाना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर नॉच पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर एक मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि इस तरह से इसका ये है। तो यहाँ से आप मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, इस तरीके से मैं निशान लगा दिया हूँ। सबसे पहले ग्लू को कट करना है चारों तरफ से।
मैंने सिर्फ रैम के ग्लू को काटा है और सीपीयू के ग्लू को नहीं काटा है, क्योंकि मुझे सिर्फ रैम को निकालना है। तो एक बार रैम को निकाल के देखेंगे, अगर इसमें काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर दोनों को उठाना पड़ेगा। तो फ्रेंड एकदम इजीली मैंने रैम को निकाल लिया है और इसको क्लीन करके फिर लगा के देखेंगे। मैं अभी कोई डिजिटल आयरन यूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल आयरन है मेरे पास जो कि आपके हर दुकान में मिल जाएगा, पर इसके बीट को बनाना पड़ता है। इस तरीके से क्लीन करने के बाद एक बार आप यहाँ पर डिसोल्डर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। डिसोल्डर वायर यूज़ करने के लिए अभी कोई डिजिटल आयरन मैं यूज़ नहीं करूँगा, यही नॉर्मल आयरन से भी आप काम कर सकते हैं, पर बीट को आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। बॉल को मेल्ट करने के बाद अब इसके ग्लू को साफ़ करना है, इसमें बहुत सारे ग्लू है, इसको क्लीन करना है। तो ध्यान रहे क्लीन करने के टाइम पे ज़्यादा हीट नहीं रखना है इस पर, और एयर भी ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि बगल में जो कंपोनेंट है वो निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको इसी तरीके से हीट करना है। और इतना हीट, ज़्यादा हीट भी नहीं करना, क्योंकि सीपीयू हमको निकालना नहीं है, सिर्फ रैम को निकालना था, निकाल लिए। अब जो है ये ग्लू को क्लीन करना है।
ये पूरा क्लीन करने के बाद अब यहाँ पर एक बार बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद फिर से इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डिजिटल आयरन में ये होता क्या है, बॉल सही से बन नहीं पाता है। अब ये जो है जुगाड़ वाला आयरन जो है मॉडिफाई किया हुआ है बीट को, किस तरीके से ये बॉल बन पा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से अगर आप लोग काम कीजिएगा बहुत हेल्पफुल काम होगा, हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। बॉल बनाने के बाद अब यहाँ पर एक बार डिसोल्डर वायर फाइनल से, ये डिसोल्डर वायर से पूरा क्लीन करेंगे। लास्ट क्लीन है ये, उसके बाद कोई क्लीन नहीं करना है। रैम को क्लीन करके इसके ऊपर बिठाना है। तो रैम को बिठाने से पहले कुछ चेकिंग है मैं जो आपको बताऊंगा, किस कंडीशन में रैम लगेगा या सीपीयू निकालना पड़ेगा। सीपीयू को पूरे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। अगर साइड में कहीं ब्लैक पेज नज़र आ रहा है उसको भी क्लीन करना है, नहीं तो रैम बिठाने के टाइम पे बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए पहले ही क्लीन कर लेंगे इसको अच्छे से। आपके पास सीजर ब्लेड है तो उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इसको। अगर आप सीपीयू नहीं निकालना चाहते तो इस तरह से भी क्लीन ये काम कर सकते हैं, पर ज़्यादा हीट करने से सीपीयू भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिवाइस मैनेजर में इसका पोर्ट चेक करेंगे कि पोर्ट बनता है कि नहीं बनता है। अगर पोर्ट बन जाता है तो हम रैम को लगा देंगे।
तो फ्रेंड ये पिन का कोई प्रॉब्लम होगा, मसला हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई में देखें तो ये देखिए स्टेबल भी है, इतना आ रहा है। तो इस हिसाब से तो फ़ोन रैम लगाने के बाद ऑन हो जाना चाहिए, पर इसमें पिन में कोई दिक्कत है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है, पोर्ट नहीं बन पा रहा है। तो हम रैम को पहले रिबोल करके लगाएंगे, अगर ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीपीयू की तरफ चलेंगे। जिस तरीके से सीपीयू को साफ़ किया था उसी तरीके से आपको रैम को क्लीन करना है। पहले आयरन चलाइए इसके ऊपर सोल्डर लगा करके, सोल्डर भी अच्छा वाला होना चाहिए। बहुत हमारे टेक्नीशियन भाई पीपीडी यूज़ करते हैं, सही है वो भी, पर सोल्डर जो अच्छा क्वालिटी का अगर आपके पास है तो उससे भी काम कर सकते हैं।
पहले इसको चेक किया जाए और देखना है कि एक ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग लोगो आ चुका है पहले की तरह। अब इसमें चार्ज कम है तो हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। बैटरी लो होने के कारण से ये दिखा रहा है। तो फ्रेंड, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पहले रेड कलर में था, अभी चार्ज होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसका पता लगा, इससे पता ये लग रहा है कि चार्ज हो रहा है इसमें। जैसा कि आप यहाँ पर यहाँ लिखाइए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिक्स इसमें लगा हुआ है, पोर्ट में लगा हुआ है, तो ये सिक्स नंबर पे लगा है। और यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1.1 एम्पीयर कंज्यूम कर रहा है। अभी देखिए बढ़ रहा है जिस तरीके से इसको लग रहा है उसको। अभी सिक्स पोर्ट चार्जर में उतना सपोर्ट नहीं, क्योंकि इसका हाई स्पीड सपोर्ट चार्जर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी चार्ज लगभग 6% चार्ज हो गया है। इसमें देख सकते हैं आप, चार्ज इसमें हो रहा है, अभी 6% चार्ज हो गया है। तो इसको ऑन करते हैं। जैसा देख पा रहे हैं आप, ऑन हो चुका है। थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट ऑन हो जाएगा।